भाई माजिद गोली आए हैं बॉलिंग पे दूसरा ओवर करने के लिए, रन अप ले रहे हैं अपना और यहां से जोजी उनको फेस करेंगे। पहला बॉल और जैसा का नाम है गोली वैसा ही बॉल भी किया है इन्होंने। भाई वाइड दिया हम पाइन और फिर बैक ऑफ हो गए कि वाइड नहीं है। भाई जान अदिल भाई ये हुआ क्या है? फायर पहले वाइट दे रहा फिर वापसी रही, कह रहा कि मैंने वापस ले, वो कह रहा मैंने वाइट दी नहीं। कमेटी के लड़के हैं वो कह रहे हैं हाँ वाइट है, इतना बड़ा वाइट था मैंने रीच भी नहीं करा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो भाई आप आसपास काफी शोर हो रहा है क्योंकि काफी लेट हो गया, 4 बजे सेमीफाइनल है 2 ओवर का और बाद बोला अगली टीम में माजिद गोली पता नहीं वो माजिद गोली है या फिर किसी और को देख लिया, पता नहीं किसको देख लिया। इधर आओ भाई, फाद ने बोला माजिद गोली है तो माजिद गोली होगा। खैर अभी जीतने की पूरी कोशिश करनी है, जीतने की कोशिश करनी है, 2 ओवर का मैच है, कोशिश करेंगे 20 रन में पकड़ने, उससे कम में पकड़ने मजा आएगा। सेमीफाइनल स्टार्ट हो गया, 2 ओवर का मैच है और एहसान करेंगे पहला ओवर, टाइम कम है इसलिए 2 ओवर का मैच है ये वाला। और पहला बॉल किया है पाशा के पास, गया बॉल पाशा की, खतरनाक थ्रो, सिंगल बना, 1 बॉल 1 रन, सही है फ्रेम यहाँ से सही जाने। दूसरा बॉल करेंगे एहसान, और डॉट बॉल, बहुत तेज बॉल किया था एहसान ने और रन आउट भी हो गए। भाई अंपायर को कॉल किया पठान ने, पठान क्या हुआ? अबे आउट किया भाई भाई बॉल बहुत अच्छा किया था एहसान ने, डॉट बॉल हुआ था। तीसरा बॉल करेंगे, 2 बॉल 1 रन है और एक और, लेकिन ये वाइड दे दिया, क्लोज था और 2 बॉल 2 रन हो गए। तीसरा बॉल करने के लिए आ रहे हैं सन और अच्छा बॉल और बाबू रन आउट मिस कर गए, डायरेक्ट हिट होती तो रन आउट हो जाते बैट्समैन, हिट विकेट हो गए भाई यहाँ से, अंपायर ने हिट विकेट दे दिया इनका, आउट कर दिया। पाँव लगा था ना, करके दिखाना जरूरी था। 3 बॉल हो चुकी है, चौथा बॉल कर रहे हैं हसन और तेज बॉल, एक और तेज बॉल और रन आउट होंगे, पठान मिस कर गए, पठान ने थ्रो भी गलत कर दी है और एहसन नाराज हो रहे हैं पठान पे, एहसन का एग्रेशन थोड़ा सा, जाहिर सी बात है जब आप इतनी एफर्ट कर रहे हो और फील्ड आपको सपोर्ट ना करे तो गुस्सा आता है। 4 बॉलों पे 3 रन आ चुके हैं, 5वां बॉल करेंगे एहसन और तेज बॉल, बॉलें एहसन तेज कर रहे हैं और सिंगल फिर भी बन गया। एहसन ने अभी तक बहुत अच्छा ओवर कर दिया है, 2 ओवर का ये मैच है, ये बॉल अगर एहसन कर देते हैं डॉट तो मैच ऑलमोस्ट 15 से 20 रन के अंदर अंदर आ जाएगा। लास्ट बॉल है पहले ओवर का और तेज बॉल था, लिफ्ट करने का टाइम नहीं मिला बैट्समैन को, 1 ओवर 5 रन भाई, 1 ओवर आ गए 5 रन, दूसरा बार दिया है अहमद पाशा को, देखते हैं कितने रन कवर करते हैं पाशा। दूसरा ओवर करने के लिए पाशा आए हैं और वाइड बॉल, पहला बॉल वाइड किया है पाशा ने, रन्स बैट से नहीं बन रहे इनके ओवर में, थोड़ा एक्स्ट्रा पे कंट्रोल कर लेंगे तो टारगेट हमें कम मिलेगा। पहला बॉल और स्लोअर वन किया था और घर में किया है, डॉट बॉल है, 1 बॉल 1 रन हुआ है, 5 बॉलें रहती हैं सिर्फ, रन्स टोटल 6 हैं। दूसरा बॉल करेंगे पाशा, गुड शॉट, ये शॉट लगा है और ये 6 हो गया भाई, अच्छा बॉल, तेज बॉल था और स्लॉट में था लेकिन। तीसरा बॉल करने के लिए आ रहे हैं पाशा और अच्छा बॉल, ये एक और अच्छा बॉल था, अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, छक्का इनको अच्छा मारा है बैट्समैन ने। 3 बॉलों पे 7 रन है भाई, 3 बॉलों पे 7 रन है, चौथा बॉल करेंगे पाशा, एक ही स्लॉट में बॉलें कर रहे हैं, तेज बॉल है और लिफ्ट करना इनको ईजी नहीं है, सिंगल ही बना है, 4 बॉलों पे 8 रन है। माजिद गोली जो है वो रनिंग एंड पे चले गए और नए बैट्समैन है कोई स्ट्राइक पे,
पाशा पूरी कोशिश करेंगे कि ये दो बॉलें सेव करें बगैर बाउंड्री की करें, और 20 रन के अंदर अंदर या 15 रन के अंदर अंदर हमें टारगेट मिले। पांचवा बॉल करने के लिए आ रहे हैं पाशा। अच्छा बॉल यार, ये तो बॉल था यार। जोजी जोजी भाई वाइड बॉल था और फंबल हुआ पठान से और एक रन पीछे का भी बन गया, तो 15 रन हो गए हैं टोटल। चार बॉलों पे पाशा ने 10 रन दे दिए हैं। पांचवा बॉल करेंगे। अच्छा बॉल, अच्छा बॉल और सिंगल मिल गया है माजिद गोली को। लास्ट बॉल फेस करेंगे इनिंग का, लास्ट बॉल है इनिंग का, पाशा बॉल करेंगे लास्ट अपना। सेव करना पड़ेगा ये बॉल। अच्छा बॉल, इनके ऑलमोस्ट सारे शॉट्स यहाँ घर की तरफ ही गए हैं और रन आउट। मैच हुआ है, एक इनिंग खत्म हुई है। क्या विन है? 18 रन का विन है और 18 रन मसले नहीं होंगे। माजिद गोली काफी बॉलर है, होप सो कि शायद अपने दम से ना करे तो एक दो खा ले, अपने दम से करेगा तो उसके अलावा ओवर में बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो भाई बहुत क्विक है, काफी नाम है। लेकिन आज सही बोल रहा था यार, सही बोल रहा था। और मैं आपको बताऊँ विकेट भी बहुत छोटा है, छोटा है। 18 रन है, इंशाल्लाह तरह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड इनिंग स्टार्ट हो रही है सेमीफाइनल की, 18 रन का विन है और जोजी है फेस पे। डॉट बॉल, वाइड बॉल है, वाइड बॉल हुआ है भाई। 12 बॉलों पे रह गए हैं, 17 रन। जोजी और हारिस भाई गए हैं बैटिंग पे और सिंगल डबल्स नहीं छोड़ेंगे तो मैच हम आसानी से जीत जाएंगे। बाउंड्रीज लग जाती हैं। पहला बॉल और वाइड बॉल, बगैर बॉल के 2 रन बन गए हैं। मैच आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा है। पहला बॉल करने के लिए आ रहे हैं, 2 वाइड्स कर चुके हैं और शॉट लगा ये और डॉट बॉल है भाई। ये कैसा डॉट है यार, एक बॉल 2 रन, डॉट हुआ है बॉल और 11 बॉलों पे रह गए हैं अब 16 रन। जोजी हैं स्ट्राइक पे। शॉट जोजी का लगा है लेकिन ये भी डॉट बॉल हुआ है भाई। सही है जोजी, सही है, बैट पे आ रहा है, अच्छा आ रहा है, शाबाश, एक लग जाएगा। दोनों शॉट जोजी की सही लगी थी लेकिन सामने नहीं लगी और दोनों डॉट बॉल हुई हैं। रन्स 2 आए हैं 2 बॉलों पे, 10 बॉलों पे रह गए हैं 16 रन्स। एक छक्का अगर यहाँ पे लगता है इस ओवर में तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तीसरा बॉल और ये भी शॉट ऑफ स्टंप पे लगा है और ये भी डॉट हुआ है भाई, बैड लक है ये जोजी का। सही है जोजी, 3 बॉलें हैं, लग जाएगा रन। सही है, 2 हैं आए हुए, एक छक्का मारेगा 8-9 हो जाएंगे। चौथा बॉल करने के लिए आ रहे हैं बॉलर। 3 बॉलों पे 2 रन हैं और डॉट बॉल, डॉट बॉल था लेकिन फंबल हुआ और सिंगल बन गया कीपर से। हारिस भाई स्ट्राइक पे आ गए हैं। 4 बॉलों पे 3 रन हैं। हारिस भाई पांचवा बॉल फेस करेंगे। 2 बॉलें रहती हैं इस ओवर की, अगर एक छक्का लगता है हारिस भाई का तो ऑलमोस्ट 9-10 रन, हो सकता है 11-12 आ जाए। पांचवा बॉल और डॉट बॉल, अच्छा बॉल था और अच्छी जगह है ये, डॉट बॉल करने के लिए अच्छी जगह है। चांस नहीं है बैट्समैन का कि सामने छक्का मार दे अगर तेज बॉलर हैं तो। 5 बॉल हो चुकी हैं, 3 रन है अभी तक और 15 रन रह गए हैं 7 बॉलों पे। आखिरी बॉल पहले ओवर का और ये भी डॉट बॉल, सेम एरिया में 2 बॉलें कर दी और हारिस भाई को कराई 2 डॉट्स। भाई एक ओवर 3 रन आए, पीछे रह गए 15 रन। माजिद गोली बॉल करेंगे जोजी को, देखते हैं जी 15 रन बना सकता है। 2 छक्के तो कहीं नहीं है, 2 छक्के तो मारने पड़ेंगे। भाई माजिद गोली आए हैं बॉलिंग पे दूसरा ओवर करने के लिए, रन अप ले रहे हैं अपना और यहाँ से जोजी उनको फेस करेंगे। 15 रन रहते हैं, 2 बाउंड्रीज मारनी पड़ेंगी। दूसरा ओवर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और माजिद गोली
बड़ा एक नाम है इनका कराची क्रिकेट में। देखते हैं कि किस तरह जोजी को बॉल करते हैं और जोजी किस तरह इनको फेस करते हैं। पहला बॉल और जैसा का नाम है गोली वैसा ही बॉल भी किया है इन्होंने, वैसा ही इन्होंने बॉल भी किया है। काफ़ी तेज़ बॉल था। जोजी हैरत कर रहे हैं कि बहुत तेज़ बॉल था और मेरे ख्याल से क्या पहला बॉल डॉट कराया माजिद गोली ने जोजी को और 5 बॉल पर ब्रेक हैं 15 रन। दूसरा बॉल करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा बॉल, अच्छा बॉल और ये 4 हो जाएगा। हो गया 4 हो गया भाई, बहुत अच्छे जोजे। एक मारना है, एक मारना है। 4 बॉलों पे रह गए हैं अब 10 रन। चौका हो गया है और एक छक्का यहाँ पे मारना पड़ेगा जोजी को। 10 रन रह गए हैं। तीसरा बॉल करेंगे माजिद अपना। वाइड बॉल, 4 बॉलों पे रह गए हैं 9 रन और अब सिर्फ एक ही छक्का काम कर जाएगा क्योंकि 3 बॉलों पे एक्स्ट्रा या सिंगल से मैच बन सकता है, लेकिन एक छक्का मारना पड़ेगा। तीसरा बॉल करेंगे माजिद अपना और एक और वाइड प्लस हो गया है, ये अच्छा हो गया है। यहाँ पे 4 बॉलों पे रह गए हैं अब 7 रन। हारिज़ फंबल भी चेक करिएगा और अब मैच ऑलमोस्ट डबल सिंगल्स पे आ गया है। चौथा बॉल, तीसरा बॉल, वाइड बॉल, एक और वाइड, एक्स्ट्रास कर दिए हैं यहाँ पे माजिद गोली ने 4 रन। चार बॉलों पे अब रह गए हैं 6 रन। 70-30 पोजीशन पे है। हाँ 4-6। तीसरा बॉल करने के लिए आ रहे हैं माजिद। 4 बॉलों पे 6 रन रहते हैं। जोजी फेस पे हैं और ये बन जाएंगे 2 रन। बाहर है बॉल और रन बन गए हैं 2 इजीली। ये अच्छा हो गया है भाई। 3 बॉलों पे अब रह गए हैं 4 रन। शाबाश जोजे, क्योंकि खुली जगह है कहीं भी बॉल जाएगा एटलीस्ट 2 रन आराम से बन जाएंगे। बस आउट नहीं होना है यहाँ पे। 3 बॉलें 4 रन और ये अच्छा बॉल था और ये भी मेरे ख्याल से 2 बन जाएगा और ये रन आउट होगा यहाँ पे जोजी। और अब 2 बॉलों पे रह गए हैं 3 रन। 2 बॉलों पे रह गए हैं 3 रन और डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे अदील और हारिस भाई का कि कुछ भी करके 3 रन बनाने हैं और मैच जीतना है। वहाँ माजिद गोली बॉलिंग एंड पे तैयार हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि ये 2 बॉलर डॉट हो जाए और मैच वो जीतें। यहाँ से हमारे बैट्समैन पूरी कोशिश करेंगे कुछ भी करके ये मैच जीतें। यहाँ से 5वां बॉल करने के लिए आ रहे हैं माजिद। काफ़ी लंबा रन अप ले रहे हैं, अच्छे बॉलर हैं। 5वां बॉल, वाइड बॉल और अदील हो गए रन आउट, बट कोई बात नहीं, वाइड हुआ है। वाइड बॉल और अदील हो गए रन आउट। भाई वाइड दिया हम पॉइंट और फिर बैक ऑफ हो गए कि वाइड नहीं है। भाईजान अदील भाई, ये हुआ क्या है? पहले वाइट दे रहा, फिर वापसी भी कह रहा कि मैंने वापस ले। वो कह रहा मैंने वाइट दी नहीं। कमेटी के लड़के हैं, वो कह रहे हैं हाँ वाइट है। इतना बड़ा वाइट था, मैंने रीच भी नहीं करा। टप्पा लाऊ चुका है ना इनको, मेरे कद के हिसाब से हाइट अलाउ नहीं हुई इनको, नो बॉल नहीं दिखेगा मेरे भाई। यहाँ
जोजी को टप्पा करा है इन्होंने, अलाउ है टप्पे का भी है और बोला अलाउ नहीं हुआ था एम्पायर ने पहले वाइट दी है। अली ने देखा भाई लेग अंपायर है, वो अली खुद बोल रहा है, कह रहा है पहले वाइट दी उन्होंने फिर वापस ले रहे, वापस ले क्यों रहे आप यार? सही बात है, क्या करना है अगेन पे बोल रहे हैं, अगेन भी नहीं कर रहे। थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो गई थी अंपायर से और इसकी वजह से मैच खराब हो गया, मैच हो ही नहीं रहा, वो जा रहे हैं। खैर ये यही सेमीफाइनल खत्म हुआ, फाइनल देखने को मिलेगा अपना, बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।